So guys, welcome back to Tundra Radio with your favorites one and only Winblast YT. So guys, आज की वीडियो होने वाली है फायर बटन से रिलेटेड. ये प्रॉब्लम होने वाली, बहुत सारे मेरे भाइयों के क्वेश्चन थे, कंटिन्यूस डीएम्स एंड क्वेश्चंस मेरे पे दमा दमा आ जा रहे थे. मैं क्या करें भाई, वीडियो बनाएंगे भाई और क्या करेंगे, भाइयों को सोल्यूशन देंगे. तो सोल्यूशन आज मिल चुका है, चलो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं. तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना मेरे भाइयों, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होगी ना यार, तो मेरा भाई बैठा है, मतलब क्या ही दिक्कत हो गई यार, मतलब चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. तो इशू एक्चुअली ये आ रहा था कि जो बटन है वो फ्लोट कर रहा है, जैसे ये मेरा फायर बटन है और यही मेरी दोस्तों की प्रॉब्लम थी. जैसे मैंने अपना फायर बटन यहाँ सेट कर रखा है, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ सेट कर रखा है, बट मैं फायर करता हूँ यहाँ पर और जैसे मैं मूव करता हूँ तो ये फायर करते करते एकदम से पोजीशन चेंज हो जाती है और फायर रुक जाता है. ऐसे कुछ प्रॉब्लम है ना बहुत सारे मेरे भाइयों का. जैसे मैं यहाँ पे फायर कर रहा हूँ, यहाँ पे एकदम से मैंने घुमाया तो एंगल पूरा चेंज हो गया. देखो फायर तो हो रहा है लेकिन ये पूरा ऐसे 360 डिग्री पे घूम रहा है. सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सिनेरियो कौन सा खेल रहे हो. अगर आप फर्स्ट सिनेरियो खेल रहे हो लेआउट, मिसाल लार्ज आइकन वाला यूज करना चाहिए. ऐसा क्यों करना चाहिए, फर्स्ट वाले जो दो लेआउट होते हैं ना फिर वेरिएबल होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे लेआउट होते हैं, इनमें मतलब जो बटन का इश्यूज होता, मैकेनिज्म होता, वो काफी तरीके से इसको मेंटेन कर रखा है. ये मोस्टली होता था ये थंब प्लेयर्स के लिए होता था, बट यहाँ पर जब लार्ज में चले जाते हैं ना, लार्ज होता है एक्चुअली इसके लिए, आपको कोई बताएगा नहीं, आपको गाइडेंस नहीं देगा कोई. बड़ा कंट्रोल बोले तो आपके क्लॉज 4 फिंगर 5 फिंगर 6 फिंगर, खेलने वाले तो 7 8 9 10 जितना भी खेलते हैं, बट आपको ये समझना है कि अगर आप थंब नहीं खेल रहे हो, 2 फिंगर्स के अलावा 3 फिंगर 4 फिंगर खेल रहे हो, मतलब 3 फिंगर भी खेल रहे हो, तो भी आपको लार्ज आइकन चॉइस करना चाहिए. आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, जिसमें कि कंट्रोल्स होते हैं फैल जाते हैं, मैकेनिज्म अलग तरीके से डिजाइन है इसका, ठीक है ना. इसके बाद बस आपको इतना करना है, उसके बाद आपके जो फायर बटन है एकदम एक्यूरेट तरीके से वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. और साथ ही साथ आप ये भी देख लेना कि अगर आपका जो लेफ्ट मूवमेंट वाला सेकंड सिनेरियो तो नहीं है कहीं, क्योंकि इसमें फ्लोटिंग बटन वाला प्रॉब्लम जो होता है वो इसमें होता है एक्चुअली. मैं खेल के दिखा रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे आ गया ना, इधर मैं फ्लोटिंग बटन है यहाँ पे, तो मैं इस पर एक बार और क्लिक करूंगा तो फायर करेगा, है ना. मतलब जैसे मैं यहाँ जहां जहां टच करूंगा वो फ्लोट करेगा बटन मेरे साथ, ठीक है ना. बट मेरे को अगर ये इसकी पोजीशन है यहाँ पे फायर करूंगा तो ये यहाँ से फायर लेगा, क्लिक करके रखूंगा तो फायर लेगा, प्रेस एंड होल्ड करूंगा तो फायर लेगा, ठीक है, समझ लो मेरी बात को. इसका मेन जो मोटिव है वो यही है कि तो ये सिनेरियो भी काफी अच्छा है, बट ये थंब प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा है और उन्हें खेलना चाहिए. अगर वो नहीं खेलते तो इस पर प्रैक्टिस करो, बहुत ही बेटर है. इसमें 3D टच मिल रहा है आपको, देखो उसकी सेंसिटिविटी वगैरह सब सेट कर सकते हो. तो ये सिनेरियो मेरे को पर्सनली काफी सही लगता है, मतलब खेलना चाहते हो खेल सकते हो, बट अगर नहीं खेलते तो वो बात अलग है. बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है जो मैंने आपको बताया वो ये इसी वजह से आता है, तो और थर्ड कंट्रोल सिनेरियो थर्ड खेलते हो तो फिर तो बात ही अलग है, एकदम मस्त, एकदम मक्खन वाली चीज है. तो हम खेल ही रहे एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे. ये मेरा फाइनल कंट्रोल है, अगर आप लेना चाहते हो तो मैं इसकी कंट्रोल कोड भी दे दूंगा, नो इश्यूज. तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो पसंद आएगी, समझ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, घंटा घंटी जरूर जाना ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पे. ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव थी, जाओ जाके फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो जिनको प्रॉब्लम आ रही है. मिलता है किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, शब खेत सफाई के मजा फादा.